बेकार बांध पूजा पंडाल में आप लोग देख सकते हैं, ये पूजा पंडाल का वहाँ का सीन है और वहाँ की लाइटिंग। देखिए, और ये इसके बगल में ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नशा मुक्त भारत प्रदर्शनी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धनबाद सेंटर की तरफ से भाई बहने, ब्रह्मा कुमारी भाई बहने सेवाधारी जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, और ये निशुल्क सेवा नशा मुक्त भारत अभियान ब्रह्मा कुमारी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग आपस में टाइप करके देखिए कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और यहाँ जो नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, ये लोकल सेंटर धनबाद जगजीवन नगर के तरफ से चल रहा है, ये नशा मुक्त भारत अभियान प्रदर्शनी है। देखिए, ये भारत सरकार का कैंपेन है। देखिए, यहाँ नशा छोड़ने का जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। 7 डेज में कम्प्लीटली लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है, 7 डेज राजयोग मेडिटेशन कोर्स के माध्यम से, और इसीलिए हमारा भारत सरकार के साथ टाइप हुआ है, जिसमें देखिए यहाँ के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रदर्शनी है। एक एक चित्र को ध्यान से देखिए, द्रव्यों का दुर्व्यसन और दुरुपयोग, तकनीकी का दुरुपयोग, लोग नशीले द्रव्य क्यों लेते हैं, व्यसनों का शरीर पर असर और व्यसनी को कैसे पहचाने, तंबाकू एक धीमा जहर, तंबाकू और धूम्रपान का शरीर पर क्या असर होता है, देखिए शराब का शरीर पर क्या असर होता है, अच्छी आदतें विकसित कर व्यसन को ना करो, व्यसन मुक्ति के लिए माता पिता की क्या भूमिका है, राजयोग द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। तो यही वो राजयोग है जिसमें हम मैं आत्मा, देखिए पांचों कर्मेंद्रियां हमारे घोड़े हैं, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की हम सब संतान आपस में भाई भाई, और उनकी लाइट से कैसे हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है देखिए। और ये आत्मा जो जिसकी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज है, और चार्ज बैटरी में कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं, हर प्रकार के व्यसन से मुक्ति, और मुक्ति के बाद हम सब नर श्री नारायण नारी श्री लक्ष्मी बनने का लक्ष्य लेकर, ये ब्रह्मा कुमारी इसकी प्रदर्शनी है, ज्ञान प्रदर्शनी। नशा मुक्त भारत अभियान, देखिए ब्रह्मा कुमारी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मेडिकल विंग नशा मुक्त भारत अभियान कैंपेन। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी, बहुत ही सुंदर सेवा चल रही है दुर्गा पूजा पर, काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उस फोटो भगवान का बहुत ही सुंदर कैनोपी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा फोटो दोनों ओर लगाया गया है बाबा का, बहुत बड़ा सब फोटो। ये देखिए सृष्टि चक्र का फोटो, कैसे ये सृष्टि चक्र चलती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि चक्र, एक अद्भुत रहस्य है। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, 5000 साल पहले से स्थान पर इसी समय इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है।
ये भी एक भाई है जो सेवा दे रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए ओम शांति।